बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाबू व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई जगह पे वीडियो शुरू हो रही है और इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं और यहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लाहौर। और एक सरप्राइज़ वीडियो है क्योंकि आज वीडियो में एक ऐसा बंदा आ रहा है जिसे आपने पहले कभी नहीं मेरी वीडियो में देखा और फर्स्ट टाइम आप देखेंगे, क्योंकि मैं तकरीबन 3-4 साल से व्लॉगिंग कर रहा हूँ और वो एक भी वीडियो पर मेरे साथ नहीं थे। तो वो थे जी मेरे बड़े भाई अल्हम्दुलिल्लाह, वो सऊदीया में। तो आज उनकी फ़्लाइट है, वापसी है, तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, तो 5 साल बाद उनकी फ़्लाइट है और बिल्कुल ये सरप्राइज़ है, उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया था। तो जैसे ही वो मतलब वहाँ से फ़्लाइट आने लगी थी तो उन्होंने कॉल की है, घर किसी को नहीं पता बिल्कुल भी। और हम भी अब निकले हैं, घर से चोरी चोरी निकले हैं, इसलिए वीडियो भी जो है ना वो बाहर ही शुरू हो रही है। मेरे साथ जनाब राशिद साहब, राशिद फूड हंटर, और इनको साथ लिया, साथ है मामू और साथ इमरान भाई, ये ड्राइवर है, वैसे भी हमारे मल्लेदार हैं, तो इनको साथ ले जा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी है, कैरी डब्बा इसलिए करवाया ताकि इस पर सामान जो है ना वो हम रख सकें। सामान जो है ना वो ज़्यादा होता है तो इस पर रखेंगे तो इजीली हम जो है ना खुला डुला सामान आ जाएगा। तो अभी हम निकलने लगे, इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। हाँ जी, तुम आ जाओ, अगे आ जाओ, आ जाओ यार। अच्छा चलो, मामू को कह रहा था कि आप आगे बैठ जाए, वो कह रहे नहीं जी मैंने पीछे ही बैठना है, प्यास लगी थी तो सोचे यहाँ से ठंडा पानी पी लें। माशाल्लाह ठंडा पानी भी दस्तैब होता है और साथ जो है ना वो पेट्रोल वगैरह डलवाना था तो पेट्रोल जो है ना वो बैठ डलवा रहे हैं। हमने जाना है जी लाहौर एयरपोर्ट पे, इलाहाबाद इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। पहले हम पिछले दिनों गए थे सियालकोट एयरपोर्ट पे, वहाँ से जो कज़न को लेके आए थे, आज हमने जाना है इलाहाबाद इकबाल एयरपोर्ट पे। और ये हमारे लिए सूटेबल है क्योंकि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का जो है ना वो सफ़र है और फ्लाइट जो है ना वो तकरीबन 12:55 पे लाहौर एयरपोर्ट पर, इंशाल्लाह 12:55 पर इंशाल्लाह फ़्लाइट जो है ना वो लैंड हो जाएगी। वहाँ से फ़्लाइट जो है ना वो फ़्लाई हुई है तकरीबन 6 बजे और पाकिस्तानी 8 बजे का टाइम था, वहाँ से 6 बजे का था। तो यह कि इंशाल्लाह 3 घंटे में, ऑनलाइन स्टेटस चेक कर रहा था कि 3 घंटे अभी बाकी हैं फ़्लाइट लैंड होने में, और यहाँ से हमें जाते भी तकरीबन जो है ना वो 1.5 घंटा तकरीबन लग जाएगा। तो इंशाल्लाह ड्राइवर साहब बैठने लगे हैं और हम इंशाल्लाह, राशिद साहब तुझे कि वो मैं पीछे बहना हूँ। तकरीबन 15 मिनट सफ़र करने के बाद कोटरा तक स्टेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ पर वो सामने राशिद भाई खड़े हैं, वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है लेस वेस वो ले रहे हैं साथ, क्योंकि थोड़ा सा मुँह चलता रहे ना तो फिर नींद नहीं आती, तो साथ साथ जो है ना वो नींद भी आ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ खाना पीना जो है ना जरूरी है। अभी कोटरा तक स्टेशन है और इंशाल्लाह विद इन 1 आवर या 1.5 घंटे में तकरीबन इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी यह है कि बिल्कुल रास्ते भी क्लियर हो चुके हैं, रात को टाइम नहीं लगता, लेकिन जो हमारे ड्राइवर साहब हैं वो बिल्कुल स्मूथ जाते हैं, आस्ता आस्ता स्लो स्लो जाते हैं, ज़्यादा जो है ना वो स्पीड के साथ नहीं जा रहे, तो यही ठीक है। ज़्यादा वो कहते हैं ना कि लेट पहुंचने से बेहतर है कि ना पहुंचने से बेहतर है कि बंदा लेट पहुँच जाए, तो इसलिए आस्ता आस्ता जा रहे हैं। हाँ जी सर, लाए सामान ना मिली? हाँ जी, तुम्हें सरप्राइज नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 2 घंटे सफ़र करने के बाद फिरोजपुर रोड पर पहुँच चुके हैं। ये सामने फिरोजपुर रोड है और यहाँ से हमने 2 सवारियाँ जो है ना वो पिक कर रही थी, तो इसलिए हम ये रोड जो है ना हमने यूज़ किया। यहाँ से हमारा प्रोग्राम था कि हम जाएंगे गाजी रोड पे और गाजी रोड पे भट्टा चौक और वो दूसरा फिर एयरपोर्ट जाएँगे, लेकिन वो प्रोग्राम चेंज हो गया। अब दोबारा जो है ना हमने गाड़ी का रुख कर लिया इधर रिंग रोड की तरफ, इंशाल्लाह इधर ही हम दोबारा रिंग रोड पे चढ़ेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है ना इंशाल्लाह एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और टाइम जो है तकरीबन 12:15 का हो रहा है, जो फ़्लाइट लैंडिंग का टाइम था वो 1 बजे का, और तकरीबन उतनी देर में फ़्लाइट सऊदीया से यहाँ पहुँची है और उतना टाइम हमें जो है ना वो लगा, क्योंकि हमारी जो ड्राइवर साहब है ना वो बड़े फास्ट हैं। राशिद साहब से पूछते हैं, राशिद साहब ड्राइवर कैसे हैं हमारे? ड्राइवर जी क्योंकि ड्राइवर साहब ने हमें पहले ही बता दिया था कि टाइम हमें 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग जाने, रास्ता तकरीबन 1.25 घंटे का ही है, लेकिन अब बिल्कुल स्मूथ आए हैं, आस्था हैं और हमें जो है ना वो तकरीबन 2.5 घंटे यहाँ पहुँचते लग गए हैं। अभी आधा घंटा हमें मज़ीद जो है ना वहाँ पहुँचते हुए लग जाएगा, तो हमारे जो 2 बंदे आते हैं उनको पिक करते हैं और वापस निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, सामने है अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट, और सबसे बड़ी बात है कि फ़्लाइट भी लैंड हो चुकी है। मैं ऑनलाइन स्टेटस जो है ना वो चेक कर रहा था, ये देखिए फ़्लाइट लैंड हो चुकी है और हम पूरे टाइम पे पहुंचे, यानी कि लेट नहीं हुए। और हमारा प्रोग्राम तो ये था कि हम पहले पहुँच जाएंगे तकरीबन 1 घंटा और वहाँ इंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, बल्कि बाहर निकलते भी तकरीबन जो है वो 1.5 से 1.25 घंटा लग जाता है। ये जी हमारी फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, सामने जहाज़ उतर चुका है, SVA 738,
जहाज लैंड हो चुका है, लेकिन अभी ये मेरा ख्याल है कि बाहर निकलते निकलते तकरीबन जो है ना वो आधा घंटा लग जाएगा, तो इसलिए बाहर माहौल में है। अंदर थोड़ी सी गर्मी गर्मी महसूस हो रही थी, और यहाँ पे माशाल्लाह माहौल काफ़ी अच्छा है, हवा भी चल रही है माशाल्लाह, हल्की हल्की आवाज चल रही है, और माशाल्लाह जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उन्होंने तखीर कर दिया, पूरे पूरे टाइम पर पहुँचाया। मैंने सोचा था पहले जाएँगे थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, लेकिन वो पूरे पूरे टाइम पर पहुँचे, अभी लाइन में ला के खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो हमारे भाई आ रहे हैं मैं आपको पता चलूँ कि वो मेरे बड़े भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 5 साल बाद जो है ना वो सऊदीया से वापस आ रहे हैं, और मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करता चलूँ कि इधर मैं जॉब के लिए की भी आया था, जॉब के लिए तकरीबन जो है ना 2020 में, वहाँ पर जो बिल्कुल ना कार्गो वाले ऑफिस हैं, कार्गो वाले वहाँ पर जॉब के लिए आया था, और कभी वो मुझे भेजते थे जी आप लेवल 4 पर चले जाएँ, कभी लेवल 5 पर चले जाएँ, कभी ऊपर कभी नीचे, और बदकिस्मती ये थी कि जैसे आया हूँ तकरीबन मेरा काम हो गया था, लेकिन यह है कि बाद में वो फ़्लाइट बंद हो गई, फ़्लाइट ऑपरेशन बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन फिर भी बंदे काम करते रहे। यह है कि सिफारिश जो है ना वो हमारे मुल्क में आपको पता है कि जो माहौल है सिफारिश जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, छोटी हो या बड़ी सिफारिश होनी चाहिए। मेरे पास सिफारिश थी, सिफारिश की बेस पे आया था, लेकिन वो बिल्कुल छोटी सिफारिश थी, यानी कि उन्होंने मुझे एयरपोर्ट के अंदर इंटर तो कर लिया था, लेकिन आगे जॉब दिलाना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये कि हमारे मुल्क में जो है ना वो ऐसे हालात है, जॉब शॉप बिल्कुल नहीं है इस मुल्क में, तो ये कि इधर चक्कर शक्कर मैंने काफ़ी काटे थे, फिर फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया, तो फिर इसलिए जो है ना हमारा काम नहीं हो सका, और जो अल्लाह पाक को मंजूर हो बिल्कुल होता वही है। तो आज फिर पिछले साल आया था एयरपोर्ट पे, जब फैमिली उम्र पे गई थी उसको रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना अब यहाँ आए हैं भाई को लेने, यानी कि साल में एक दो चक्कर जो है ना वो लाजमी लग जाते हैं, अगला चक्कर जो वो राशिद साहब को छोड़ने के लिए होगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह राशिद साहब जब सऊदीया जाएँगे तो इंशाल्लाह इनको छोड़ने के लिए आएँगे जब नेक्स्ट टाइम आएँगे, उससे पहले कोई चक्कर लग जाए मेरा लग जाए तो कोई पता नहीं। यहाँ से जो है ना मैंने बहुत से बंदों को रिसीव भी किया, और वो ऊपर वाली साइड से बहुत बंदों को अंदर धकेला है, लेकिन मेरी बारी कब है ये कोई पता नहीं है, ये अल्लाह पाक को मंजूर है कि पता नहीं कब बारी होगी, लेकिन ये है कि अल्लाह की तरफ से देर होती है, जब होना होता है ये कोई नहीं पता होता, इंसान को कोशिश जो है ना वो करते रहना चाहिए। तो पता नहीं, देखिए अब राशिद साहब जाते हैं पहले कि मैं जाता हूँ कि भाई वापस जाते हैं, ये अभी कोई कंफर्म नहीं है। फिलहाल जो है ना मेरा ख्याल है कि राशिद साहब उधर जाना चाहिए, हाँ जी चलो, मेरा ख्याल है कि टाइम हो चुका है, तो अभी उधर थोड़ा सा वेट करना वो बेहतर है, यहाँ खड़े होने से बेहतर है। फूल छूल हमें उधर से नहीं मिले थे, तो वो हमने इधर लाहौर से लिए थे, जो गेस्ट जो जिनको हमने रस्ते में बिठाया उनको हमने कह दिया था, तो उन्होंने फूल ले लिए थे, तो वो ही इंशाल्लाह ऊपर निशावर करेंगे और चलते हैं जी उस तरफ। भाई से अल्हम्दुलिल्लाह बात हो चुकी है, अभी सामान जो है ना वो तकरीबन एक बैग बाकी रह गया, तो वो भी एक बैग मिल जाता है, तो वो तकरीबन 5 मिनट तक जो आ जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, और भाई को रिसीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, और अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन जो है ना वो 2 बजने वाले हैं, तो अभी निकलते हैं वापस, वापसी का सफ़र भी तकरीबन 2-3 घंटे का। ये सामने का एक दफ़ा फिर मंजर देख रहे हैं, अभी निकलते हैं वापस, आप गाड़ी में बैठ रहे हैं और निकलते हैं वापस। A few moments later. अभी थोड़ा सा सफ़र किया है, और जो रिंग रोड है उसको क्रॉस करके नीचे गजुमता स्टॉप पे खड़े हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी शानी पीने की तलब हो रही थी, ठंडा पानी लिया, कोक शोक लिया है, और जनाब ये हमारे पहुँच चुके हैं अल बैग जो पहुँचे हैं राशिद साहब की फरमाइश में पहुँचे हैं राशिद साहब, ये अभी जद्दा एयरपोर्ट से बहने लिए थे, और अभी इसका जो मुकम्मल रिव्यू राशिद साहब रिव्यू कोशिश तो करेंगे देंगे, लेकिन पता नहीं, मुझे तो लगता है कि नहीं पता नहीं क्या बनता, लेकिन ये टेस्ट करेंगे फर्स्ट टाइम जो है ना, बहुत अच्छा ब्रांड है सऊदीया का, बड़ी दफ़ा इसका सुना, जो भी जाता है ना वो लाजमी टेस्ट करता है, तो ये है कि इसका अभी घर जाके खाएंगे, फिलहाल यहाँ पानी शानी पी रहे हैं, और तकरीबन जो है ना 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, और अब ये इमरान भाई की मर्जी, हमें तकरीबन कितनी देर तक पहुँचाते हैं ये कोई पता नहीं, तो आस्ता आस्ता जा रहे हैं, बिल्कुल मौज मस्ती में जा रहे हैं, इंशाल्लाह तकरीबन जो है ना 3:30-4 बजे तक इंशाल्लाह घर पहुँच जाएंगे, तहज्जुद का टाइम तकरीबन 2:30 बजे है, और तकरीबन 4 बजे तक इंशाल्लाह घर पहुँच जाएंगे, और इस वक्त लाहौर की सड़कें अभी भी देख लें, वैसी ट्रैफिक है जो दिन टाइम होती है,
रात की फ़्लाइट का असल कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये है कि मौसम ठंडा होता है, यानी कि गर्मी नहीं होती। अगर सुबह आए तो सुबह जो है ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और तपश भी बहुत ज़्यादा पसंद आए, बंदा जो है ना वो खज्जल खुआ देता है। तो रात को इंजॉय भी होती है माशाल्लाह। ये है कि सिर्फ और सिर्फ नींद ख़राब होती है, बाकी और कोई। तो अभी भाई जो है ना वो सामने गए, कुछ सामान लेना था वो लेने गए, अभी पानी शानी पीते हैं और इंशाल्लाह निकलते हैं फिर वापस। Two hours later. अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन फूल नगर पहुँच चुके हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट का जो है ना वो सफ़र बाकी रहेगा। अभी भूख लगी थी तो रुके हैं न्यू आयुष्मान होटल पे। मियाँ साहब का फेवरेट होटल है, मियाँ लाइक साहब का। तो मियाँ साहब आई मिस यू। तो एक होटल जो है ना वो पीछे आयुष्मान होटल, उधर से नहीं खाना खाया था क्योंकि वो निकल गया था, पता नहीं चला। तो ये कि अभी इधर पहुँचे हैं, भूख बहुत लगी, अभी हल्का हल्का खाना खाते हैं और निकलते हैं घर। 4 बजे का टाइम हो रहा है। खैरियत से घर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले फर्स्ट सरप्राइज जो है वो आपके सामने ये देखें, ये जनाब जवेद भाई के दोस्त हैं मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह। और फर्स्ट सरप्राइज है, पहले यही मिले हैं माशाल्लाह, ये देखें। और मुझे लगता है कि हमारा जो घर वाला सरप्राइज है वो लीक हो चुका है, उनको शायद पता चल चुका है, कैसे भी पता चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि पता चल चुका है, लेकिन फिर भी जो है ना जाके पता चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से घर पहुंच चुके हैं और फजर की अजान जो है ना वो हो चुकी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से सुबह घर पहुंच गए थे, उसके बाद फिर नींद से बुरा हाल था तो फिर सो गए थे, फैमिली को सरप्राइज दिया माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है ना थोड़ा बहुत काम था, सिस्टम जो है ना आपको पता है पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैं लेके आया था, और ये पुराना पड़ा हुआ है और ये नया पड़ा हुआ है, तो इसमें सारा डाटा मैंने शिफ्ट कर लिया और इंशाल्लाह अब जो है सारा काम, सारी एडिटिंग, जो भी थंबनेल वगैरह होगा वो नए सिस्टम में पड़ेगा। तो इंशाल्लाह सिस्टम आप अपडेट करना चाहते हैं जो मेरे किधर वहाँ के बंदे हैं तो आप वो वैसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सरप्राइज़ वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।